लिए हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं, वो हमारा क्या है, वेस्टर्न गॉड थ्योरी। ठीक, इस थ्योरी में हम लोग क्या देखेंगे, वेस्टर्न गॉड थ्योरी ये हमारा है। पहले तो इसका एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं भाई। एब्जॉर्प्शन क्या है, तो कहता है कि मीडियम जो है ज्यूम टू बी होमोजीनियस। इससे यूनेस्को में भी हमारा जो क्या था, हम लोग सॉइल का जो मीडियम रहते हैं होमोजीनियस बोले थे, और क्या बोले थे, सेमी इनफिनाइट बोले थे, इलास्टिक बोले थे। ठीक, और इलास्टिक ही बोले थे, और कुछ था, और फिर नॉन आइसोट्रॉपिक। ठीक, नॉन आइसोट्रॉपिक, उसके नॉन आइसोट्रॉपिक। ठीक, उसके बाद क्या है, फिर कहता है हेयर द मीडियम इज ज्यूम टू बी कैसा, इलेक्ट्रली रेनफोर्समेंट रेस्फोर्स विद द फाइबर्स, लिटरली रेनफोर्स विद द फाइबर्स। उसके बाद क्या कहता है, नेग्जिबल थिकनेस, दैट इज द मीडियम इज, मीडियम इज कंसिडर टू द रिजिड हॉरिजेंटल। इसमें कैसा कर रहे हैं हम लोग, रिजिड हॉरिजेंटली कर रहे हैं, और इलास्टिकली रिजिड हॉरिजेंटली। देखिए यही पॉइंट याद करने की बात है, यही सब तो दिमाग खराब करके रख देता है। देखिए क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहता है कि कैसा होना चाहिए, रिजिड, ये ठीक, और उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, कहता है कि इट मीन नो लिटरली डिफॉर्मेशन बट ओनली द वर्टिकल डिफॉर्मेशन होना चाहिए, लिटरली डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। सिंस देर इज नो लेटरल स्ट्रेन एंड द पॉइजन रेशियो क्या होना चाहिए, जब कोई स्ट्रेन ही नहीं आ रहा है भाई, तो पॉइजन रेशियो इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन जीरो। ठीक, तो ई लेटरल बाई ई लॉन्गिट्यूडनल क्या हो गया, जीरो। यंग्स मॉडुलस और हॉरिजेंटल डायरेक्शन विल बी, यंग्स मॉडुलस क्या होगा, सिग्मा बाई ई टी, जब ई स्ट्रेन इन लेटरल डायरेक्शन बट जब जीरो है तो क्या हो गया, तो सिग्मा बाई, तो यंग्स मॉडुलस हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, हेंस द यंग्स मॉडुलस इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन टू द वर्टिकल डायरेक्शन टेंस टू इन्फिनिटी। तो हमारा क्या हुआ, तो यंग्स मॉडुलस क्या हो गया, हॉरिजेंटल डायरेक्शन टू वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है। ठीक, यहाँ तो क्लियर है। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद जो है हमारा, वेस्टर्न गॉड इक्वेशन फॉर द वर्टिकल स्ट्रेस फॉर द पॉइंट लोड फॉर द पॉइजन रेशियो वैल्यू इक्वल टू गिवन बाय सिग्मा जे, जो हमारा होगा वर्टिकल स्ट्रेस क्या होगा, के डब्ल्यू बाई क्यू बाई जेड स्क्वायर, वहाँ भी था के बी बाई क्यू बाई जेड स्क्वायर। ठीक, और के डब्ल्यू द वेस्टर्न गॉड इन्फ्लुएंस फैक्टर, वहाँ था बोनस फैक्टर, वहाँ क्या था 3/2 pi, वहाँ था, यहाँ पे देखिए 3/ जो यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 की जगह क्या था 3/2 pi, यहाँ है 1/pi, 1/1+2 × r का स्क्वायर बाई जेड, यहाँ 2 नहीं था उसमें, इसमें 2 है, और यहाँ 5/2 था, तो यहाँ क्या है 3/2 है। तो वेस्टर्न गॉड में क्या हो गया, थोड़ा सा डिफरेंस है, 2/3 नहीं है इसमें, 3/2 नहीं है, और 5/2 की जगह पर 3/2 है। ठीक, उसके बाद कहता है सिग्मा जेड अकर होता है कहाँ पे, आर इज जीरो, उसमें भी था आर जब जीरो था तभी मैक्सिमम वैल्यू हुआ था। ठीक, तो आर बाई जीरो पर मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या है, 0.3183 के डब्ल्यू का वैल्यू है, और उसी के बाद हमारा हो जाएगा 0.3183। ठीक, क्यू बाई जेड का स्क्वायर, फिर उसके बाद हमारा क्या मिल रहा है, उसके बाद जो हमारा है, यहाँ से देखिए। ठीक, अब कहता है कि इट इज नोटेड एट द आर बाई जेड का वैल्यू 1.52 पर, वहाँ कितना था 5% था सिग्मा जेड का, मतलब वर्टिकल स्ट्रेस कितना हो जाता था 5 जेड। तो बोथ द थ्योरीज गिव द इक्वल वैल्यूज, हमारा क्या वैल्यू दे रहा है, इक्वल वैल्यू दे रहा है।
अगर आर बाय जेड वेस्टर्न गार्ड में, आर बाय जेड वॉन्स्कियो में, दोनों में अगर आर बाय जेड का वैल्यू 1.52 आप रखते हैं तो आप पाते हैं कि दोनों में जो जो दोनों का जो इन्फ्लुएंस फैक्टर है वो हमारा क्या मिल रहा है, सिग्मा जेड, सॉरी इन्फ्लुएंस फैक्टर नहीं, टोटल वैल्यू वर्टिकल स्ट्रेस का वैल्यू दोनों में इक्वल होगा, कितना पे, तो आर बाय जेड का वैल्यू 1.52 होना चाहिए, ठीक, दोनों इक्वल है तो जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, तो के क्यू क्यू भी कैंसिल हो सकता है ना, क्यों नहीं होगा जी, देख लीजिए क्यू क्यू हो गया, आर आर हो, जेड जेड हो गया, तो दोनों कैंसिल होता है, के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू हो जा रहा है, के बी इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है हमारा, के डब्ल्यू, तो दोनों को इक्वल करने से यहाँ से तो इम्प्रूविंग है, तो आर वाई जेड कितना हो गया 1.5 आ गया, ठीक, यहाँ तक क्लियर है, तो आगे देख लीजिए क्या बोलता है हमारा, द कंपेरिजन बिटवीन द बॉन्स्कियो और वेस्टर्न गार्ड, क्या चीज़ है, वेस्टर्न गार्ड थ्योरी, दोनों में क्या कंपेरिजन है भाई हमारा, तो दोनों में कंपेरिजन है, यदि आर बाय जेड का वैल्यू लेस देन 1.52 रखते हैं, अब यदि आप आर बाय जेड का वैल्यू लेस देन 1.52 रखते हैं तो के बी का वैल्यू ज़्यादा पाते हैं, किसका वैल्यू ज़्यादा पाते हैं, के बी का वैल्यू के डब्ल्यू से आप ज़्यादा पाते हैं, और आर बाय टू का वैल्यू जब इक्वल रखते हैं आप तो पाते हैं कि के बी का वैल्यू के डब्ल्यू का इक्वल है, यदि आर बाय जेड का वैल्यू आप पाते हैं कि बड़ा है, किससे, 1.52 से, ठीक, तो कब बोल रहा है, तब के डब्ल्यू का वैल्यू ज़्यादा है। अच्छा, आप न्यूट्रल एक्सिस का कंसेप्ट आपको याद है, आरसीसी में पढ़े होंगे, न्यूट्रल एक्सिस, जो न्यूट्रल एक्सिस का क्या होता है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, और एक जो होता है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, तो वहाँ पे क्या होता है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस जो है तो बैलेंस का केस होता है, फिर कम रहता है तो अंडर एन्फोर्समेंट होता है, और जब बड़ा होता है तो ओवर एन्फोर्समेंट होता है, अगर वो याद है तो इसको याद कर लीजिए, और ये याद है तो उसको याद कर लीजिए आप, तो आसान से क्या सब मान लीजिए कि बैलेंस के लिए कितना है 1.52, हमारा बैलेंस सेक्शन के लिए है तो 1.52 के बराबर रहेगा, अगर आर बाई जेड का वैल्यू 1.52 के बराबर रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे के बी इक्वल है के डब्ल्यू के, नहीं तो अगर इससे कम है, 1.52 से कम है तो हम बोलेंगे के बी ज़्यादा है, के डब्ल्यू कम है, यदि बोलेंगे कि 1.52 से ज़्यादा वैल्यू है किसका, आर बाय जेड का, तो हम बोलेंगे के डब्ल्यू ज़्यादा होगा, के बी का वैल्यू कम होगा, ठीक, तो अब डायग्राम से आप समझ लीजिए, डायग्राम से देखिए, अब देखिए आर बाय जेड जो हमारा वैल्यू है, आर बाय जेड 1.52, तो देखिए ये कर्व किसका था, बॉन्स्कियो का कर्व था, ये कर्व हमारा किसका है, वेस्टर्न गार्ड का कर्व है, ठीक, दोनों का कर्व, और ये यहाँ से देख लीजिए इस तरह से, और इसके बाद ये घट जा रहा है, और इसके बाद ये घट जा रहा है, तो यहाँ से ये वाले वैल्यू कितना था, 0.47, इसका मैक्सिमम वैल्यू 0.0, अब ध्यान रखिए कि मान लीजिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कभी पूछ दे हमसे कि बताइए भैया कि बॉन्स्कियो थ्योरी और वेस्टर्न गार्ड थ्योरी में जो मैक्सिमम जो दोनों वैल्यू होता है आर इजिकल टू जीरो पर, तो वहाँ पे दोनों का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो क्या होगा आप ही देख लीजिए ना, ऐसा हम मेरे दिमाग का एक क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं कि पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, 0.47745 डिवाइड, पॉइंट कितना था, ऐसा कितना है, 0.3183, ठीक, 83 हो गया, इसका रेशियो देख लो, इसका रेशियो कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है, कितना रेशियो आ रहा है, 1.5, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको, तो हमारा कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है, ठीक, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें, आगे हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है, आगे बोलते हैं द रिजल्ट ऑब्टेन बाय द वेस्टर्न गार्ड थ्योरी इज द मोर रियलिस्टिक, यानी ज़्यादा देन द बॉन्स्कियो थ्योरी से आपका वेस्टर्न गार्ड ज़्यादा सही है जी, कहता है बट रेंज वेयर द स्ट्रेसेस आर द सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑब्टेन बाय द सिग्निफिकेंट बॉन्स्कियो थ्योरी से ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिजल्ट है द मोर कंजर्वेटिव डैट द वेस्टर्न गार्ड थ्योरी, कंजर्वेटिव ज़्यादा होता है किससे, वेस्टर्न गार्ड थ्योरी से, था हेंस बॉन्स्कियो थ्योरी इज द प्रैक्टिकली यूज फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस, अगर आपको दोनों दे दिया जाए थ्योरी तो आप किससे निकालना पसंद करेंगे, द
तो भट्ट क्या करती बोर्ड, उसको थ्योरी से निकालना पसंद करेंगे। ठीक, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारा। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर।